नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी इंदौर के बारे में। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। इसका जो फेज वन था इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये जो कुछ सब्जेक्ट में एडमिशन निकला है ये फेज टू के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर का जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पेज। तो यहाँ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे शायद 20-25 दिन पहले। तो ये अभी जो निकला है सेकेंड फेज में, आईआईटी इंदौर एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पीएचडी एडमिशन का जो नोटिफिकेशन निकालने का, ये थोड़ा अलग है। एक ही साथ ये सारे के सारे सब्जेक्ट में ये नहीं निकलता है, फेज वाइज ये एक एक करके निकलता है। तो यहाँ जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, आप यहाँ देख सकते हो इसका जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स का कुछ सब्जेक्ट के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हो, मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए अभी वैकेंसी निकला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें अभी जो एप्लीकेशन अभी चल रहा है आप यहाँ देख सकते हो, नवंबर 8 इसका लास्ट डेट है जो इंडियन स्टूडेंट के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी नवंबर 8 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, यदि आप इसका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, जहाँ आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का भी। इसके अलावा एसओपी और एलओआर यदि आप देखना चाहते हो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ठीक, इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका भी आप यदि एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, और फॉर्मेट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ भी आप क्लिक करके देख सकते हो। इसका लास्ट डेट कब है, 9 नवंबर 2021, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी 9 नवंबर 2021। बाकी देखिए ये सब आएगा बाद में, ये थे जो फेज तीन के लिए ये आएगा, अभी भी इसका शुरू नहीं हुआ है। मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट विल बी अपलोड सून। ठीक है, देन बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसका जो डिटेल्स आपको यदि देखना है तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, और अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अक्टूबर 30 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी अक्टूबर 30 इज द लास्ट डेट। देन आप यहां देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में यहां बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री, लिंक यहां सब दिया गया है, इसका लास्ट डेट है नवंबर 7, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी नवंबर 7। देन फिजिक्स, फिजिक्स के लिए जो लास्ट डेट है ये है अक्टूबर 12। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी अक्टूबर 12। मैथमेटिक्स के लिए अक्टूबर 21 इज द लास्ट डेट, देन अक्टूबर 21 इज द फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑल्सो। देन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का, नहीं अभी तक नहीं आया है, बाकी सब खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बाकी है, यह ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस अभी तक नहीं आया है, बाद में आएगा, बाकी ज़्यादातर खत्म हो गया है। ठीक है, और बाकी आपका यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है, देखिए यहाँ पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ नंबर दिया गया है प्रोफेसर का, आप डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग आपका एडमिशन प्रोसीजर जो भी है। ठीक है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जो फी के बारे में यदि देखना है तो आप इसको देख सकते हो, मैं एक सैंपल आपके सामने मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। मान लो कि केमिस्ट्री का देखिए यहाँ मेंशन किया गया है क्लिक हियर फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं राइट क्लिक करके। तो यह है देखिए केमिस्ट्री का ये एडवर्टाइजमेंट, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के बारे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका कम से कम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका नेट या गेट या जेआरएफ, नेट तो नहीं जेआरएफ, ये सीएसएआर जेआरएफ हो या यूजीसी जेआरएफ, ये क्लियर होना चाहिए, या वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का यदि आपके पास फेलोशिप है तो आप यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके लिए टोईफेल या IELTS होना चाहिए, और इक्विवेलेंट किसी भी प्रकार का जो एंट्रेंस होगा तो अच्छा है। ठीक है, बाकी कैटेगरी जब एडमिशन आप यहां क्लिक करके आप देख सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां लिंक दिया गया है, आप इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फी डिटेल्स देखने के लिए यहां क्लिक करके देख सकते हो, एडमिशन रिलेटेड किसी भी प्रकार क्वेरी है यहां क्लिक करके देख सकते हो। देन डेट जैसे कि हमने बताया था 7 तारीख है नेशनल के लिए, एंड इसका जो टेंटेटिव डेट है इंटरव्यू के लिए ये 10 से लेकर 11 तक हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप यदि देखना चाहते हो तो इस पेज को ओपन करके आप जरूर देख लीजिए। बाकी जितने भी सारे प्रोफेसर है वहाँ,
ठीक है, और प्रोफेसर के अंडर कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, यदि चाहो तो इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार का फैसिलिटीज दिया गया है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक, इसी प्रकार सारे के सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर एक बार इसको देख लीजिए, और जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।